अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज मोहम्मद शेख एंड वेलकम टू माय चैनल रमीज एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर साल पेपर में एक सवाल जरूर पूछा जाता है कि ड्राइव द सेकंड और या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इतनी पूछी नहीं जाती, लेकिन सेकंड और थर्ड इक्वेशन जो है वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो इसका मतलब ये नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स में इसके बहुत ज्यादा यूज है और न्यूमेरिकल पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की। उससे पहले हम समझते हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है। बेसिकली आपने देखे बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज पढ़ी इससे पहले कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, टाइम, सब कुछ आपने स्टडी किया। ठीक है, अब उसके बाद आपने ग्राफ्स को स्टडी किया कि स्पीड टाइम ग्राफ क्या होता है, फिर डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है। ठीक है, इन सब चीजों को पढ़ने के बाद अब हम आ रहे हैं कंक्लूजन की तरफ। ठीक है, काइनेमेटिक्स के कंक्लूजन की तरफ, यानी कि अगर किसी बॉडी का काइनेमेटिक्स क्या होता है, किसी बॉडी का मोशन बेसिकली स्टडी करना होता है। ठीक है, तो मोशन को स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल चार चीजें जो हमने फर्स्ट वीडियो बनाई थी उसमें हमने चार चीजों का जिक्र किया था, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, टाइम और डिस्टेंस। तो इन चीजों को हमने डिस्क्राइब कर दिया। अब इन चीजों को, इन चारों जो टर्म्स हैं, इनको एक जगह इकट्ठा करना या एक जगह इनका रिलेशनशिप बनाना, बेसिकली उसका नाम है इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, तो सिंपली आप ये भी कह सकते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डिस्टेंस एंड टाइम इज कॉल्ड इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, इसको हम लोगों ने बेसिकली मैथमेटिकल ड्राइव करके निकालना है। ठीक है, टोटल तीन होती है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो हम वन बाय वन जो है वो एक एक डेरिवेशन को क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज करके इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब इसके लिए जरूरी है जब भी हम डेरिवेशन का काम करते हैं फिजिक्स के अंदर, ठीक है, तो डेरिवेशन बेसिकली एक मैथमेटिकल प्रोसीजर है। ठीक है, लेकिन इस मैथमेटिकल प्रोसीजर को सॉल्व करने के लिए हमें फिजिक्स का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर हम इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अभी ड्राइव करेंगे, तो इसके लिए मुझे फिजिक्स का कौन सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, स्पीड, टाइम, ग्राफ। ठीक है, जो इससे पहले वाली वीडियो में हमने स्टडी किया था। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ कर दिया। यही ग्राफ जो है वो तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन के लिए सिमिलर होगा। ठीक है, हमने इसी को फॉलो करते हुए इक्वेशंस ऑफ मोशन वन बाय वन करके ड्राइव करनी है। ठीक है, तो लेट्स सपोज, मिसाल के तौर पर मैं बात करता हूं, सही है, ग्राफ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज मेरे पास एक गाड़ी है, ठीक है, जो कि अपनी इनिशियल वेलोसिटी से मूव करती है। अब मैंने यहां पर इसका ओरिजिन जो है वो इनिशियल वेलोसिटी ड्रॉ नहीं की। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी जीरो से नहीं की, क्यों, क्योंकि हम कुछ ना कुछ डेरिवेशन कर रहे हैं ना, तो उसके लिए हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू होना जरूरी है। तो इसलिए हम यहाँ पर कोई ना कोई सम डिस्टेंस के ऊपर हम क्या कर रहे हैं कि हम कोई ना कोई वेलोसिटी से गाड़ी को मूव करा रहे हैं। एज यू नो दैट कि ये क्या है, हमारे पास टाइम है, ठीक है, जबकि ये क्या है, हमारे पास क्या है, स्पीड। ठीक है, ये वेलोसिटी क्या है हम लोग। तो अब यहां पर इस पॉइंट के ऊपर बॉडी की कोई ना कोई वेलोसिटी है जिसको मैं नाम दे रहा हूं कि उसका नाम है वी आई। ठीक है, कोई ना कोई वेलोसिटी है जिसका नाम क्या है, वी आई। आफ्टर सम टाइम इंटरवल, ठीक है, इट द बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट कवर्स सम डिस्टेंस एस। ठीक है, और इसकी वेलोसिटी में आफ्टर सम टाइम क्या आता है, चेंज आता है। आफ्टर सम टाइम इट्स वेलोसिटी बिकम्स व्हाट, वी एफ। तो अगर मैं यहां से इसको ड्रॉ करूं तो ये क्या हो जाएगा, इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, वी एफ हो गई। तो इस बॉडी के अंदर क्या हुआ, वेलोसिटी के चेंज होने से इस बॉडी के अंदर क्या प्रोड्यूस हुआ, इस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। तो हम इसको नाम देते हैं कि ये एक्सेलरेशन है। जैसे कि हमने स्पीड, टाइम, वेलोसिटी के अंदर जो हमने ग्राफ पढ़ा था उसमें हमने ड्रॉ किया था, ठीक है, कि जो भी ग्राफ हम ड्रॉ करते थे वो क्या होता था, वो एक्सेलरेशन होता था। वो कैसे होता था, वो स्लोप वाले फॉर्मूले से। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने ये सब चीजें जो है वो बना ली। अब इसको ही हमने क्या करना है, लिखना है। देखिए, इक्वेशन ऑफ मोशन में आपने रट्टा नहीं लगाना, ठीक है, इसको समझ के करेंगे तो बहुत इजी होगा। तो जो हमने यहाँ पर काम किया है वो ही हम यहाँ पर वर्डिंग लिखेंगे और उसके अकॉर्डिंग इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर हमने क्या किया, हमने एक बॉडी को कंसिडर किया था जो कि मूव कर रही है स्ट्रीट लाइन। ठीक है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, वी आई। आफ्टर सम टाइम इंटरवल उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, वी एफ। इट कवर्स सम डिस्टेंस एंड इट प्रोड्यूसेस एन एक्सीलरेशन व्हिच वी कॉल ए। ठीक है, तो यही बात हमने लिखनी है कि कंसीडर अ बॉडी मूव्स
देन अ स्ट्रेट लाइन विथ विथ इनिशियल वेलोसिटी वी आई, ठीक है. आफ्टर सम टाइम इंटरवल, आफ्टर सम टाइम इंटरवल इट्स वेलोसिटी बिकम्स वी एफ, ठीक है. हेंस वेलोसिटी के चेंज होने की वजह से क्या हुआ, हेंस एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस, एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस, ठीक है. जो हमने काम किया उस ग्राफ के ऊपर वो हमने यहां पर लिख दिया, ठीक है. यही आपने वर्डिंग लिखनी है सिंपल, कि हमने क्या किया, एक बॉडी को कंसीडर किया, वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, ठीक है. इनिशियल वेलोसिटी वी आई के साथ कुछ देर बाद उसने जो है वो कुछ डिस्टेंस कवर किया, उसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा हुआ और उसकी वेलोसिटी हो गई वी एफ, ठीक है. अब हमें क्या करना है, अब हमें ये समझना ये है कि हमें यहाँ पर जो इसका स्लोप आ रहा है, हमने पढ़ा था ना कि जो भी टाइम और स्पीड के दरमियान जो स्लोप आता है वो उसका एक्सेलरेशन होता है. क्यों? क्योंकि स्लोप का जो फॉर्मूला था आपको याद हो तो मैंने स्लोप का फॉर्मूला आपको बताया था, क्या होता है, वाई ओवर एक्स, ठीक है. वाई ओवर एक्स और करके हम लिखते हैं यहाँ पर डेल वाई ओवर डेल एक्स. तो वहां पर तो हम बिल्कुल सीख रहे थे, तो इसलिए हमने वहां पर डेल का सिंबल यूज नहीं किया था, क्योंकि अगर यहाँ पर चेंज ऑफ वेलोसिटी आएगा तो इसलिए हम यहाँ पर डेल ऑपरेटर यूज करेंगे, ठीक है. तो डेल वाई ओवर डेल एक्स, डेल वाई का मतलब क्या है, जो बॉडी के जो क्वांटिटी है वाई एक्सिस पे है और जो एक्स एक्सिस पे, ठीक है. तो यहां पर जो स्लोप है, बेसिकली वो स्लोप क्या शो कर रहा है, स्लोप ऑफ अ ग्राफ, स्लोप ऑफ अ ग्राफ शोज the acceleration produced in a body, ठीक है जी. acceleration जो है, slope जो है वो क्या कर रहा है, acceleration show कर रहा है body के अंदर जो produce हो रहा है. तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि जो slope है, जो slope है वो basically क्या है, acceleration है. स्लोप क्या है, एक्सिलरेशन है. अब यहां पर आ जाए, देखिए अब बात समझिएगा, ठीक है. अब स्लोप हमारे पास एक्सिलरेशन है, अब एक्सिलरेशन जो है वो निकालने के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, डेल वाई ओवर डेल एक्स, ठीक है. बात एक ही है, अब मैंने स्लोप की जगह एक्सिलरेशन लिख दिया. क्यों लिख दिया, क्योंकि मैंने यहां पर लिख दिया है कि स्लोप जो है वो क्या है, एक्सिलरेशन है. अब ये डेल वाई ओवर डेल एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है. तो यहां से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस पॉइंट तक, ठीक है. अब बेसिकली हमने ये इसका इनिशियल पॉइंट लिया था ना, तो हम यहां से भी एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस के, जो यहां पर इसको क्रॉस करती हुई जाएगी, ठीक है. ये हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें एक तो डिस्टेंस मालूम हो सके इस वाली वैल्यू का, दूसरा हम जो है वो उसको कैलकुलेट कर सके कि भाई इसमें यहां से यहां तक कितने वेलोसिटी चेंज की, कितना एक्सेलरेशन पैदा हुआ, ठीक है. तो लेट सपोज, अब देखिए मेरे पास जो है वो एक ट्रायंगल बन गया, ये वाला, ये क्या बन गया, एक ट्रायंगल बन गया. तो इस ट्रायंगल को मैं नाम दे देता हूं, मिसाल के तौर पे P, Q और R. इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया P, Q, R, जबकि ये वाला जो पॉइंट है वो आपका S है, ठीक है. अब मैंने इस पॉइंट नाम दे दिया P, Q, R और S. अब आप यहां पर देखें कि एक्सेलरेशन जो डेल y है, जो डेल y है हमारे पास, वो बेसिकली क्या है. तो अगर आप लोग देखेंगे यहां पर, तो देखिए डेल y हमारे पास क्या है, Q और R, क्या है, Q और R डिवाइडेड बाय डेल एक्स, क्या है, P से लेकर R तक, ठीक है, P से लेकर R तक, ठीक है. इस ट्रायंगल को यूज करते हुए हम सॉल्व कर रहे हैं. तो हमने क्या किया, हमने डेल y और डेल एक्स की वैल्यू यहां पर ले ली. अब ये Q और बेसिकली है क्या, ये Q और निकालने के लिए, ये जो फाइनल वेलोसिटी है निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि देखिए यहां से लेकर यहां तक अगर देखा जाए तो ये क्या है, फाइनल वेलोसिटी, ये क्या है, फाइनल वेलोसिटी. देखिए इनिशियल पॉइंट से लेकर जीरो से लेकर यहां तक क्या है, फाइनल वेलोसिटी वी एफ. जबकि वी आई कितना है, यहां से लेकर यहां तक, ये क्या है, वी आई,
ये क्या है वी आई। तो क्यू आर की वैल्यू मुझे कब पता चलेगी, जब मैं इसमें से इसको क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। जब मैं वी एफ में से वी आई को माइनस करूंगा तभी मेरे पास क्यू आर की वैल्यू आएगी ना, ठीक है। तो मैं इस चीज को क्यू आर को मैं रिप्लेस करके कैसे लिखूंगा, क्यू आर को रिप्लेस करके कैसे लिखूंगा, क्यू एस माइनस आर एस, ठीक है, अच्छे समझ में आ रहा है। और पी आर से बन गया हमारे पास ये एडिटिव है अपनी जगह पे, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम समझ आ गया, क्यू एस और माइनस आर एस क्यों लिखा, क्योंकि क्यू आर जो है, मैं दोबारा बताता हूँ, देखो ये क्यू एस है, सॉरी क्यू आर है, इसकी वैल्यू हमें कैसे पता चलेगी, जब हम इस पूरे में से इस वाले को माइनस कर देंगे, जब हम इस पूरे में से इस वाले को माइनस कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा क्यू आर, ठीक है। तो इसलिए मैंने इस क्यू आर की जगह इसको मैंने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दिया ताकि आपको समझ में आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। अब देखिए हमारे पास क्यू एस क्या है, क्यू और एस क्या है, वी एफ, यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया था, ये हो गया वी एफ, ठीक है। जबकि हमारे पास आर एस क्या है, वी आई, तो ये हो गया माइनस वी आई। पी आर क्या है हमारे पास, पी आर क्या है, टाइम, तो यहाँ पर हम लिख देंगे टी, ठीक है। ये टाइम जो है वो सम टाइम इंटरवल है ना, तो ये टी, ठीक है। जबकि यहाँ पर एक्सेलरेशन था, तो अगर हम इसको रीअरेंज करेंगे तो ये टी यहाँ पर आके मल्टीप्लाई होगा इससे, तो ए टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई, ठीक है। ये हमारे पास आ गई एक इक्वेशन, ठीक है। इसको हम रीअरेंज दोबारा करके ये माइनस वाली वैल्यू जो है वो अलग कर देंगे और इसको हम इक्वेशन बना लेंगे, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। बड़ा इजी है, समझ में आ गया होगा आपको कि हमने इस स्प्रिंग टाइम ग्राफ को लेते हुए हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव की, जिसके अंदर क्या क्या मौजूद है, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और टाइम। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इन चीजों का, इन चारों चीजों का जो रिलेशनशिप होता है वो ही हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। इट डजंट मीन कि आप लोग कहेंगे यहाँ पर एस में, एस जरूरी नहीं है कि हर इक्वेशन में एस मौजूद हो, यानी कि डिस्टेंस मौजूद हो, या हर इक्वेशन में जो है वो ए मौजूद हो, कहीं कहीं कोई चीज मिस भी हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं कहलाएगी, वो इक्वेशन ऑफ मोशन बिल्कुल कहलाएगी, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम कहते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने कैसे निकाली। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसी ग्राफ को लेते हुए, अब जैसे हमने यहाँ पर एक्सेलरेशन को कंसिडर किया ना, अब सेकेंड इक्वेशन में हम क्या करेंगे, ये एरिया अंडर द कर्व जो है इसको हम लेते हुए हम डिस्टेंस की मदद से सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।